खरगापुर मंडी प्रांगण में कांग्रेस पार्टी द्वारा युवा सम्मेलन एवं सदस्यता अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राघवगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा पार्टी ने नर्सिंग घोटाला, व्यापम घोटाला एवं अन्य कई घोटाले किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि खरगापुर में हम सभी युवा मिलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। कार्यक्रम में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने भाजपा पार्टी की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि अगली बार कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि हर बूथ पर मजबूती से काम किया जा रहा है। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह, बडाम मल्हारा विधायक राम सिया भारती, पृथ्वी पूर्व विधायक नितेंद्र सिंह राठौड़ कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। खरगापुर से सुरेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। देखिए, कल छतरपुर में भी वहाँ आंदोलन था, जो नर्सिंग घोटाले को लेके तमाम इन लोग ने जो इनका वादा याद करने का, क्या हुआ तेरा वादा? सरकार ने चुनाव के पहले इतने लंबी लंबी वादा किया, महिला के लिए 1 करोड़ मकान का बात हो, 2.5 लाख साल में जो नौकरी का बात हो, एमएसपी का बात हो, गेहूं का बात हो, सारे चीज को पूरा हर जिले में जाके हम लोग ने सरकार को याद करने का और जगाने का और सरकार को घेरने का काम हम लोग कर रहे हैं। देखिए, आपको पता है किस तरीके से जो कमियां रहे होगा हमारा, वो सारी चीज होता है। अभी पोस्टमार्टम करने का समय नहीं है, अभी मजबूत करने का, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए हम सब लोग मिलकर, मैं आज आपके सामने वादा कर रहा हूँ, विधानसभा में कांग्रेस सरकार बनेगी, बहुत भारी बहुमत से बनेगी और मध्य प्रदेश का जनता कांग्रेस को आशीर्वाद करेगा। उस लेवल पे, बूथ लेवल पे हमने मेहनत करने का काम करेंगे। देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ, उसके लिए ये युवा कांग्रेस का कार्यक्रम है, उसके लिए आपने उन्हीं नेता लोगों से आपको पूछना चाहिए। आज हमारे युवा विधायक और साथ में हमारे राम सिया भारती जी भी मौजूद थी। हमने एक ही बात कही है कि खरगापुर में बड़ी सीट सिंह जी को मिली थी 6 महीने पहले, उसके बाद हमने यही विशेष का सलाह दिया युवराज को कि उनके साथ यहाँ काम करें, जनसेवा करें, क्योंकि चाहे और परिवार हो, सहिवाचा परिवार हो, परिवार हमारे पूरे लेके उनको मिलकर काम करना चाहिए है। और युवाजा भी युवा भी है और चंदा जी का एक बहुत जो उनका काम का है, काम उन्होंने किया है और हम चाहते हैं कि ऐसे युवा को उनके साथ